थैंक यू एंड सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि द जर्नी ऑफ दिस फिल्म हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म ऑफ माई लाइफ इन लास्ट 18 ईयर्स एंड द सरप्राइज विच वॉज ऑलवेज गिवन बाय राहुल गांधी ममता बनर्जी राज ठाकरे आई डोंट नो हु ऑल एवरीबडी तो एक महागठबंधन थी बीजेपी के खिलाफ और एक महागठबंधन थी हमारी फिल्म के खिलाफ और आज पता चल गया कि इस देश के असली हीरो कौन हैं जिनको अब नहीं रोका जा सकता है वो दोबारा आ चुके हैं और राहुल गांधी जो जिस फिल्म में काम कर रहे थे वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी है और आज बीजेपी की सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र में हुई है और कल हमारी फिल्म तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में मोदी जी आ रहे हैं और वर्ल्ड के 40 सिनेमाघरों में हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आ रही है ये फिल्म इसी तरह 10 अप्रैल को मैंने प्रीमियर रखा था और मुझे याद है कि 10 तारीख को मुझे एक नोटिस आया शाम को 6 बजे और पुलिस आई और हम सब डर गए और फिल्म को रोक दिया गया और वो मेरे लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था जब पीवीआर ने 1300 समोसा मेरे ऑफिस भेज दिया एंड आई वाज सिटिंग विद 1300 समोसा अलोन एट द डे ऑफ द प्रीमियर ऑन 10th अप्रैल दैट वाज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी वी मेड द फिल्म इन 38 डेज बट दैट जर्नी ऑफ 38 डेज वॉट लाइक अ 380 डेज ऑफ माई लाइफ एंड वी शॉट इन गुजरात वी शॉट इन कच्छ भुज बनारस मुंबई हर्षिल ऋषिकेश देहरादून इन 38 डेज बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट दिस फिल्म हैज़ बीन मेड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ विवेकानंद ओब्रॉय Yes, he has been misunderstood in the industry, but he is one of the finest actors I have worked with. The support of him, of not showing any tantrum, not asking for vanity van, not asking for 5-star hotels, not asking for sport boys. What he did was, he continuously, every day, from 2 a.m. to 7 a.m., he used to do his makeup, prosthetic. Then without eating anything, he used to survive on the set, only on the sip of water and juices. So that his prosthetic doesn't come out. Every day to be with the screenplay writer, to be with the dialogue writer, to be in character, to help me in my production, to sort out the location problem. Thank you Vivek for standing by all of us and making this film in 38 days. It was only because of you. देखो पहले भी support नहीं था, okay? अभी नहीं है, maybe they'll watch the film and suddenly support आ जाएगा अपने आप. You know, like I'm telling you, maybe they don't like a few things, that's why आगे नहीं आ रहे कि वो भी troll हो जाएंगे. So that's why support नहीं था. एंड आई थिंक वेन द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स कि ये पिक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं आके देखो दिल से बनाइए पिक्चर तो मे बी एवरीबॉडी विल चेंज द माइंड द रिएक्शन ऑफ फैंटास्टिक वेर वी वर शोन दे हैव लव्ड इट एंड बोल रहे थे क्या हो गया था क्यों बैन कर रहे थे कुछ बैन करने जैसा है नहीं तो आई थिंक होपिंग दे विल वर्क इन अ फेवर आज जिस तरह से मोदी जी की सुनामी जिस तरह से हुई है और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उसी तरह ये पीएम मोदी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी और भारत का हर नागरिक इस फिल्म को देखना चाहता है और इससे बढ़िया मुहूर्त क्या हो सकता है कि आज ही चुनाव के नतीजे आए हैं और आज फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है और बहुत लोगों को भाएगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी अद्भुत फिल्म